अबे ओ बुड्ढे, ये ना कोई तेरी सरकारी पार्क का बेंच नहीं है जो मुंह उठा करके यहाँ पे आ गया और बैठ के अखबार पढ़ रहा है। ये ना रेस्टोरेंट है और यहाँ पे ना तुम्हारी औकात नहीं है बैठने की, चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। बड़ों से बात करने जाती क्यों मैं? ये क्या तरीका है? बस आप मुझे तमीज मत सिखाइए कि मुझे बड़ों से किस तरीके से बात करनी है और किस तरीके से नहीं। मैं अपने घर के बड़ों से ना अच्छे से ही बात करती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे बुड्ढे खूसट ना इसी लायक होते हैं बेइज्जती सहने के, समझ आई? तो बेटा तो क्या हो गया, मैं अंदर थोड़ी बैठ रहा हूँ, यहाँ बाहर बैठ रहा हूँ, ये टेबल खाली है, वो भी टेबल अभी सब खाली है, तो मैं बैठ के अखबार पढ़ लिया तो क्या हो गया? हाँ तो अगर टेबल खाली पड़े हैं या भरे पड़े हैं जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे लोगों को ना यहाँ पे बैठ करके अपने रेस्टोरेंट की इमेज खराब करने नहीं दूंगी। लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि यहाँ पे तुम्हारे जैसे बुड्ढे बुढ़िया होते हैं पंचायत करने के लिए। ये ना कोई पंचायत करने की जगह नहीं है तुम्हारी। अभी तुम आके बैठे हो, फिर तुम्हारे बाद चार बुड्ढे और आ जाएंगे, फिर तुम्हारी बातें शुरू हो जाएगी। अपना ये अखबार और बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से बाहर। अभी रुको, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। यस मैम, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ये बुड्ढा यहाँ पे आकर के बैठा हुआ है, हाँ? फोकट का टाइम खाली कर रहा है हमारा, टेबल भर रहा है, और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो कह रहे मैम एक्चुअली वहाँ पे कस्टमर है तो उनको मैं खाना सर्व करने लग गया था। ठीक है, लेकिन इसको ना उठा करके यहाँ से बाहर निकालो, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती इसको छूके। यस मैम, बस एक मिनट। ओए बुड्ढे, अभी तक यहाँ बैठा पड़ा है, चल उठ, खड़ा हो, आश्रम समझ रखा है क्या? खड़ा हो रहा हूँ, जा रहा हूँ। बहुत चोज नहीं चला रहा तू अपनी, है? चल निकल यहाँ से, चल। खड़ा हो रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। और गार्ड को बोलो कि अगली बार ये आए ना तो उसको वहीं से धक्के मार के पीछे भेज दे। यस मैम, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग बुड्ढे। बस तो बच गया बुड्ढा, समझो कि टांग तोड़ देता। कैसे लोग हैं, बात करने तक की तमीज नहीं है। मेरे को निकाल दिया वहां से। अरे बुड़बुड़ा क्यों रही है, समझ नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, पानी का ग्लास देखे तो पूछती हूँ। ये आप अपने आप से क्या बड़बड़ाई जा रहे हो, लो पानी पियो और गुस्सा ठंडा करो। पानी को छोड़ो, तुम्हारे सामने विनय ने क्या कहा था? विनय कहा था कि पार्क में मत जाना, अगर बाहर जाना है ना तो पार्क में मत जाना, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। और उसके कहने से ही उसने कहा था मेरा अपना कैफे है, वहां चले जाना, और वहां बाहर गार्डन है, टेबल वगैरह होंगी, वहां जाके बैठो, अखबार भी पढ़ो और चाय भी पीना, एंजॉय करो। बिल्कुल सही किया आपने, आपने गलत थोड़ा ना कहा, और मेरे सामने सुबह विनय ने आपको बोला था। अब तुम बताओ मेरी इसमें क्या गलती है, है ना? विनय के कहने से मैं वहाँ गया, वहाँ बैठा, अखबार खोल के पढ़ रहा था बड़े आराम से। वहाँ पता नहीं वो मैनेजर है कौन है, वो लड़की आई और आगे कहती है बुड्ढे ये अखबार पढ़ने की जगह है, तेरे जैसे यहाँ आके बैठ जाए तो तेरे को देख के चार बुड्ढे और आके बैठ जाएंगे, हमने बिजनेस करना है कि तुम जैसे बुड्ढे यहाँ आके फालतू में बैठे हो। और तो और फिर उसने अपने स्टाफ के एक मेंबर को बुलाया, मेरे को यहाँ से पकड़ा, जबरदस्ती निकाल दिया बाहर। कोई तमीज है, कोई तरीका है? मैं अभी कुछ बोल भी नहीं पाया, मेरी बारी नहीं आने दी इन लोगों ने, इतनी बेइज्जती मेरी जिंदगी में नहीं हुई, इतनी इंसल्ट। कैसा स्टाफ है, क्या बिजनेस करेगा ये, कैसे कैसे इनका कैफे चलेगा बता? हाँ। अगर इस तरह के लोगों के साथ, ये तो अच्छा हुआ मैं चला गया तो पता तो लगा स्टाफ कैसा है वहाँ का। नहीं ऐसे बिजनेस चलता है क्या? विनय ने पता नहीं किस तरह के बेवकूफ़ भर्ती कर लिया अपने स्टाफ के रूप में। ऐसा किया उन्होंने आपके साथ, बहुत गलत किया, पर आप टेंशन मत लो, विनय अभी नीचे तक ही गया है, विनय को आने दो, दोनों मिलके विनय से बात करते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो विनय का बिजनेस तो डूब जाएगा, पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा, हमें बात करनी ही पड़ेगी। अच्छा एक काम करो, आप आराम से बैठो, मैं फटाफट किचन का काम निपटा के आती हूं, थोड़ा सा रह गया, और विनय जैसे ही आता है हम दोनों मिलके बात करते हैं, ठीक है? विनय बेटा। हाँ माँ। आज तेरे बाबूजी तेरे रेस्टोरेंट गए थे, तेरा कितना गंदा स्टाफ है, तेरे बाबूजी कितनी बेइज्जती करी है, तेरे बाबूजी आके ऐसा लग रहा है किसी सदमे में बैठे हो,
पूछ अपने बाबूजी से एक बार। क्या मेरे स्टाफ ने बाबूजी के साथ बदतमीजी की है? पूरी बात बताओ मुझे, हुआ क्या, क्या हुआ डैड? बेटा कुछ मत पूछ, तूने कहा था कि वहां चले जाना, रेस्टोरेंट जो आपने नया खोला है। अरे मैं वहीं गया, वहां जाके मैंने अखबार खोली, पढ़ने लग पड़ा और चाय वाय का भी बोलना ही था। इतने में वो तुम्हारी कोई लेडी मैनेजर है वहां पे, इतनी बदतमीज मैंने जिंदगी में नहीं देखा ऐसा स्टाफ। आते ही मेरा अखबार छीन लिया, कह दिया बड्डे ये बैठने की जगह है, है? तेरे को देख के चार बुड्ढे और बैठ जाएंगे, हमने बिजनेस करना है, निकल यहाँ से। और उसके बाद वो कोई कर्मचारी अपना उसने बुलाया, उसने मेरे को यहाँ से पीछे से पकड़ा कॉलर से और बाहर निकाल दिया और बोला दोबारा यहाँ दिखना नहीं चाहिए, निकल जाए यहाँ से। इतनी बेइज्जती, अरे मैं इससे अच्छा तो पार्क में चला जाता। डैड अगर उन दोनों ने आपके साथ ऐसा किया है ना तो अच्छा नहीं किया उन दोनों ने। उन दोनों को ना इसकी सजा तो मैं देके रहूंगा, उनको घर बुलाता हूँ आज, ऑफिस नहीं जा रहा मैं, और घर पे बुला के उनको अच्छे से चमकाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे किसी की इंसल्ट की जाती है। बिल्कुल बेटा, उन्हें घर बुलाइयो और अच्छे से सबक सिखाइयो, और ये भी बताइयो कि आज तो तेरे पापा थे, कल कोई और भी हो सकता है, सबके साथ ऐसी बदतमीजी करेंगे क्या? और आज नहीं अगर सबक सिखाया तो आगे जाके तेरा बिजनेस डूब जाएगा बेटा, इतनी मेहनत से तूने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है। नहीं नहीं माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि कोई कस्टमर मेरे यहाँ कुछ खा रहा है या नहीं खा रहा है। अगर कोई बुजुर्ग मेरे रेस्टोरेंट के अंदर ऐसे ही आके बैठ जाए ना तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उन्होंने डैड के साथ ऐसा किया है तो उनका सबक तो उनको मिलेगा। क्या माँ मैं अंदर जा रहा हूँ और आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, उनको यहीं बुलाऊंगा। आइए मैम। अरे मैम देखने, ये तो वही बुड्ढा है ना जो आज सुबह हमारे यहाँ पे आया था। हाँ ये वही है, मेरे को लगता है ना कि ये दिन में ठेला लगाता होगा और शाम को आके यहाँ पे नौकर की नौकरी करता होगा। सही कह रही मैडम, मेरे को तो ऐसा लगता है ये ना रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हुआ, क्योंकि वैसे भी बुड्ढे को नींद तो आती नहीं है सालों को। सही है, पैसा तो यही लोग कमा रहे हैं, हम तो बस यूं ही एक जगह पे लगे बड़े हैं। सही कह रही मैम, पैसा तो यही बुड्ढे कमा रहे हैं, हम तो खामा का मेहनत कर रहे हैं। और क्या, अबे वो बुड्ढे चुपचाप ना खड़े हो गए, जा हमारे लिए पानी लेकर के आ, यहाँ पे भी ना इसको फटकार चाहिए, बिना फटकार के ना इससे कोई काम नहीं होता। अभी सर को पता लग गया ना कि तूने हमको पानी नहीं पिलाया तो तेरे को ही नहीं छोड़ देंगे यहाँ पे खड़े खड़े, समझ आए? तो चुपचाप खड़ा हो, जाके पानी लेकर आ, अगर तेरे को अपनी नौकरी पे आ रही है तो। चलो हम बैठते हैं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इनकी बेइज्जती करने की? तुम्हें पता ये कौन है? ये विनय के डैड है और ये हमेशा काम के चक्कर में बाहर रहते हैं। क्या? हाँ ये विनय के डैड है और ये अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, इसीलिए इनॉग्रेशन में भी आ नहीं पाए थे। मैम एक्चुअली हमें ना पता ही नहीं था कि ये विनय सर के डैड है, अदरवाइज हम तो कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करते ना, हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं सर की तो, और आपकी भी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको तो पता ही है ना आप हमें कितने टाइम से जानते हैं, तो हम इनके साथ कभी ऐसा नहीं करते अगर हमें पता होता कि ये सर के डैड है तो। हाँ सही बात है, अगर हमें पता होता कि सर के पिताजी है तो हम इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करते। मैम सही कह रही है। क्या मतलब कि तुम्हें पता नहीं था मेरा डैड है? वैसे ना एक चीज बताऊं, तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं है किसी की भी बेइज्जती करने का, किसी की भी इंसल्ट करने का, और ना मेरे डैड है तो तुम माफी मांग रहे हो, इसका मतलब तुम किसी और बुजुर्ग के साथ में इतनी बदतमीजी करते और तुम्हारे को अपनी गलती का एहसास तक ना होता। मेरे को ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी तुम दोनों से, मेरे को लगता था तुम लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, लोगों की इज्जत करते होंगे, लेकिन नहीं, तुम दोनों तो अकल से पैदल हो। बस तुम लोगों ने डिग्रियां जरूर हासिल की है लेकिन पढ़े लिखे गवार हो गवार। गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा तुम दोनों के ऊपर मुझे, बस कुछ कह नहीं रहा क्योंकि मेरे डैड ने मुझे शिक्षा नहीं दी कि मैं आप लोगों के साथ में बदतमीजी करूं। बस इतना ही कहूंगा कि तुम दोनों यहां से जा सकते हो और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना मुझे। नहीं सर प्लीज, वी आर रियली सॉरी। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि कई बार ऐसी ना कुछ आस पड़ोस के जो एजेंट लोग हैं वो आकर के वहाँ पे ग्रुप बना के हमारे रेस्टोरेंट को ना पार्क की तरह यूज करते हैं और गंदा भी कर देते हैं, बस इसलिए हमने ऐसे किया, एंड वी आर रियली सॉरी सर। यस सर, मैम बिल्कुल सही कह रही हैं और आपको तो वैसे ही पता है सर, कोविड का टाइम चल रहा है और फालतू की भीड़ हम वहाँ पसंद नहीं करते, और न्यू ईयर का टाइम है वैसे ही वहाँ पे बहुत रश रहता है, अगर ऐसे लोग वहाँ पे रहेंगे तो मेरे को लगा कि भीड़ ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से मैंने निकाल दिया था मैम के कहने पर। कोविड तो खाली बहाना है तुम लोगों के लिए, बाकी डैड आप बताओ क्या करना चाहिए दोनों के साथ में। अरे बेटा गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है, लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, तो मैं सोचता हूँ बेटा चलो नादान है
अब अपनी गलती मार रहे हैं, इनको माफ कर दो यार, प्लीज बेटा माफ कर दो बच्चों को। नहीं नहीं विनय, तू इनकी बात मत सुन, तू इन दोनों को वहां से निकाल, तभी इन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। ठीक है, मैं डैड की और मॉम की दोनों की बात सुनता हूँ। एक महीने के लिए तुम दोनों को छुट्टी दे रहे हो, एक महीने बाद आना, और अगर एक महीने बाद भी तुम्हारा बिहेवियर चेंज नहीं हुआ ना, तो तुम दोनों की परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि इसे एक महीने के अंदर तुम दोनों को सबक मिलेगा, और जब नौकरी जाएगी सैलरी नहीं मिलेगी ना, तो तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, फिर तुम लोगों की इज्जत करना सीखोगे। अब और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, जाओ यहाँ से। ठीक है सर, पर सर जब हम दोबारा आएंगे ना, तो अगली बार से आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे। एंड आई एम रियली सॉरी अंकल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपसे बदतमीजी करी। एग्जैक्टली अंकल जी, आई एम रियली सॉरी, हमारे पास शब्द नहीं है अब कुछ बोलने के लिए। सर आई एम सॉरी, मैम आई एम सॉरी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही बताने की कोशिश की है कि हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते रहेंगे, और ऐसे लोगों को एक मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन सजा भी मिलनी चाहिए। इस वीडियो में हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि हमने उनको एक महीने रेस्ट्रिकेट करके उनको सजा भी दी है, साथ में माफ भी किया कि पूरे तरीके से नौकरी नहीं छीनी है, ताकि उन लोगों को अकल आ सके और वो लोगों की इज्जत कर सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं जरूर, बाय।